प्रेजेंटेशन हो रहा है। आप सभी को नमस्कार। बजट प्रस्ताव 2019-20 प्रस्तुत किया जा रहा है। 2019-20 के बजट अनुमान के अनुसार विनियोग की राशि 2,35,606 करोड़ रुपये अनुमानित है तथा शुद्ध व्यय 2,14,086 करोड़ रुपये अनुमानित है। राजकोषीय स्थिति से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें राजस्व आधिक्य अनुमानित है लगभग 732 करोड़ रुपये का। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू राज्य घरेलू राज्य का 3.34% अनुमानित है और इस सीमा में रहते हुए हमें लगभग 32,106 करोड़ रुपए विकास के कार्य हेतु प्राप्त होंगे। राज्य का जो कुल बकाया दायित्व है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 24.43% इस वर्ष हेतु अनुमानित किया गया है। इसके साथ ही साथ FRBM एक्ट के अनुसार सौदोगित आयोग के अनुसार में 10% के नीचे ब्याज भुगतान रखना होता है जो कि इस वर्ष के लिए 8.05% अनुमानित है। 2019-20 का बजट एक ग्लैंस में कुल प्राप्ति वाली उपेक्षक अनुमान 2018-19 1,82,085 करोड़ अनुमानित है जो कि बढ़कर 2,14,367 करोड़ हुई है जिसमें करीब 18% की वृद्धि हुई है जिसमें कि राजस्व प्राप्तियों की 19% की वृद्धि तथा पूंजीगत प्राप्तियों की 13% की वृद्धि हुई है। कुल व्यय पुनरीक्षक अनुमान 1,80,269 करोड़ से बढ़कर 2,14,085 करोड़ हुआ है जो कि 19% की वृद्धि है जिसमें राजस्व व्यय 18% तथा पूंजीगत व्यय 30% बढ़ने का अनुमान है। कुल विनियोग की राशि 2,33,606 करोड़ हुई है जो कि 20% बढ़ी है। राजस्व आदि के 733 करोड़ रुपए रहना अनुमानित है। जो संसाधनों की स्थिति है कहाँ से हमें संसाधन प्राप्त होंगे उसमें कुल प्राप्तियां 2,14,363 करोड़ अनुमानित है जो पिछले वर्ष के अनुसार 18% की वृद्धि है जिसमें कि राज्य करों में 24% की वृद्धि अनुमानित की गई है जो कि 65,274 करोड़ रहना अनुमानित है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 11% वृद्धि हुई है वृद्धि अनुमानित है तथा करेक्टर राजस्व में लगभग 45% की वृद्धि अनुमानित है। केंद्र से सहायता अनुदान में 16% तथा लोक लेखों से शुद्ध प्राप्ति 70% वृद्धि होना अनुमानित किया गया है। इस स्लाइड में हमने राज्य का और करेक्टर राजस्व किस तरीके से हमारा बढ़ रहा है उसको प्रोजेक्ट किया है जिसमें कि दोनों में हमारी वृद्धियां हो रही हैं। राज्य के जो मुख्य कर राजस्व हैं उसमें GST डिप्टी कर में पिछले वर्ष की अपेक्षा 19% की वृद्धि होकर 26,536 करोड़ रुपये होना अनुमानित है जिसमें से राज्य उत्पाद शुल्क लगभग 13,000 करोड़ होगा जो कि लगभग 37% की वृद्धि है। स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क में भी लगभग 23% की वृद्धि अनुमानित है वर्तमान में संशोधन किए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए। आय तथा व्यय पर अन्य करों में 41% की वृद्धि अनुमानित है। इस तरीके से कुल 52,771 करोड़ से बढ़कर 65,274 करोड़ रुपए बजट अनुमान 2019-20 में वृद्धि होना अनुमानित है जो कि 24% की वृद्धि है। राज्य के जो मुख्य करेक्टर राजस्व हैं उनके बारे में स्लाइड में बताया गया है जिसमें कि मुख्य रूप से खनिज से 5,100 करोड़ रुपए प्राप्त अनुमानित है जो कि 32% की वृद्धि है। वन से 1,500 करोड़ 25% की वृद्धि। सिंचाई से 1,500 करोड़ रुपए जो कि 131 करोड़ की वृद्धि तथा अन्य माध्यमों से जिनमें कि मेजर रूप से एजुकेशन जो इंटरेस्ट पेमेंट की पुनर्प्राप्तियाँ होती हैं इंटरेस्ट पेमेंट की प्राप्तियाँ होती हैं डिविडेंड और DMF इत्यादि से लगभग 5,868 करोड़ रुपये प्राप्त होना अनुमानित है। कुल वृद्धि लगभग 45% अनुमानित की गई है। इस स्लाइड में ग्राफिकल रूप में बताया गया है कि राज्य उत्पाद शुल्क और स्टाम्प पंजीकरण शुल्क में काफी वृद्धि होना अनुमानित है। जो हमारा व्यय है उसमें राजस्व व्यय में लगभग 18% की वृद्धि अनुमानित है जो कि बढ़कर
170,621 करोड़ होगा और पूंजीगत व्यय में लगभग 21% की वृद्धि अनुमानित थे जो 35,464 करोड़ रुपये होगा। कुल वृद्धियाँ 19% है। राजस्व का यदि हम पिछले कुछ वर्षों का आंकड़ा देखें तो राजस्व में वृद्धियाँ हो रही हैं और इस वर्ष भी लगभग 18-19% की वृद्धि अनुमानित हुई है। पूंजीगत परिव्यय में पिछले वर्ष थोड़ी कमी आई थी जिसको बढ़ाते इस वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि पर कार्य करने बजट प्रावधान किए जाने के कारण लगभग 35,464 करोड़ रुपये अनुमानित है पूंजीगत परिव्यय। क्षेत्र वाइज अगर हम देखें तो कृषि बजट में जो वृद्धि हुई है उसमें किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में अगर हम बी से कंपेयर करें तो लगभग बजट अनुमान पिछले वर्ष बजट अनुमान से कंपेयर करें तो लगभग 145% की वृद्धि हुई है और अगर हम पुनरीक्षित अनुमान से कंपेयर करें तो लगभग 66% की वृद्धि हुई है जो कि बहुत बड़ी वृद्धि है। सहकारिता विभाग ने सहकारी बैंकों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए बजट अनुमान में वृद्धि की गई है, लगभग 33% वृद्धि है। पशुपालन विभाग में वृद्धि है, उद्यानिकी में नई योजनाएं लाई गई हैं तथा मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग में 11% की वृद्धि है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में कुल लगभग 45,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है जिसमें से मुख्य प्रावधान फसल ऋण माफी योजना के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इंदिरा कृषि ज्योति योजना जिससे किसानों को कृषि क्षेत्र में लाभ प्राप्त होता है, कृषि पंपों पर जो सब्सिडी दी जाती है उसे 7,117 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है कि 2,201 करोड़ रुपये, कृषि समृद्धि योजना तथा भावांतर फ्लैट एंड 2,720 करोड़ रुपये और सहकारी बैंकों को जो अंश दी जा रही है उन्हें स्खंडन करने के लिए सुदृढ़ करने के लिए उसको 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ब्याज अनुदान 700 करोड़ रुपये। स्वास्थ्य क्षेत्र में यदि हम देखें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल वृद्धि स्वास्थ्य क्षेत्र में लगभग 32% हुई है जिसमें से कि लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 43% की वृद्धि की गई है जो कि इस बार एक मेजर फोकस एरिया है। 7,547 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिला बाल विकास विभाग में 28% की वृद्धि तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में 14% की वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कई नई योजनाएं चलाई गई हैं जिसमें राइट टू हेल्थ के लिए कार्य किया जा रहा है तथा सुशील संजीवनी योजना जो कि आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए प्रारंभ की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में कुल वृद्धि लगभग 16% की गई है। 28,509 करोड़ रुपये का प्रावधान शिक्षा क्षेत्र के लिए किया गया है जिसमें 16% वृद्धि स्कूल शिक्षा, भारतीय क्षेत्र उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास में अधिक प्रावधान करते हुए रोजगार के नए आयाम खोलने के लिए लगभग 28% की वृद्धि इस क्षेत्र में की गई है। विभिन्न सामाजिक वर्गों में यदि देखें तो आदिजाति कल्याण में लगभग 7% की वृद्धि है। सामाजिक न्याय तथा निःशक्तजन कल्याण में काफी बड़ी वृद्धि की गई है जिसका मुख्य रूप से कारण है कि पेंशन बढ़ाकर 300 से 600 रुपये की गई है। 300 से 600 रुपये पेंशन की गई है तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में राशि बढ़ाकर 51,000 रुपये की गई है जिस कारण से 43% की वृद्धि सामाजिक न्याय विभाग में हुई है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में 17% की वृद्धि की गई है। इस प्रकार कुल 10,456 करोड़ रुपये पिछली बार का निश्चित अनुमान था जो बल्कि 12,079 करोड़ रुपये हो गया है। नगरीय एवं ग्रामीण विकास में जो वृद्धियां हुई है विभागवार वृद्धि ग्रामीण विकास में लगभग 20% की होकर 17,000 करोड़ रुपये पर पहुंचा है तथा नगरीय विकास और आवास विभाग में 15,666 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए 28% की वृद्धि की गई है। लेकिन यदि हम इसे खंडवार देखें और यह देखें कि अन्य विभागों की जो योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलती हैं अथवा नगरीय क्षेत्रों में चलती हैं तो ये वृद्धि नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बढ़कर 26% और नगरीय क्षेत्रों के लिए बढ़कर 31% हो जाती है। सामान्य सेवाओं में गृह विभाग में प्रावधान किया गया है 7,635 करोड़ का। राजस्व विभाग में
4491 करोड़ का और वन विभाग में 2757 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति उप योजना सब स्कीम के लिए 33467 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए 24% की वृद्धि की गई है तथा 24% टोटल प्रावधान किया गया है बजट का तथा अनुसूचित जाति उप योजना के लिए 22793 करोड़ का प्रावधान करते हुए 16% प्रावधान बजट का अनुसूचित जाति उप योजना के लिए किया गया है। इस प्रकार कुल व्यय जो लगभग 1,39,000 करोड़ होना है उसमें से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए प्रोपोर्शनल भुगतान रखा गया है। अब यदि ऋण की स्थिति पर आए तो हमारे ऋण अभी जो अनुमानित है वो 21.88% अनुमानित है। पिछले कुछ वर्षों से यदि हम देखें तो ऋण में बढ़ोतरा हुआ है क्योंकि 2014-15 में 18.7% था, 15-16 में 19.66% हो गया और 16-17 में बढ़कर 21.36% हो गया। इस प्रकार लगातार वृद्धि इसमें हुई है। ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति से प्रतिशत यदि हम देखें और ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्ति से प्रतिशत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमें ये ज्ञात होता है कि कितना हमारा कमिटेड लायबिलिटी है। इसमें इस क्षेत्र में भी लगातार 2017-18 से ब्याज भुगतान बढ़ रहा है जिसमें इस वर्ष हमने कोशिश की है कि इसे कुछ कम किया जाए और इसे 8.1% से घटा करके 8.05% पर लाया जाए। वेतन का राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 19.17% पिछले वर्ष से घटकर 18.69% हुआ है। इसका मतलब है कि अन्य विकास कार्यों के लिए अधिक राशि उपलब्ध हो रही है। वेतन पेंशन एवं ब्याज भुगतान वेतन लगभग 18.69% बजट का है, पेंशन 7.59% और ब्याज भुगतान 8.05%। तो कुल योग इसमें 34.33% हमारा वेतन पेंशन एवं ब्याज में भुगतान में व्यय होगा। ये इस वर्ष का बजट अनुमान है। धन्यवाद। जो प्रेजेंटेशन की कॉपी है उसकी कॉपी तो कायदे से उसकी कॉपी मिलना चाहिए, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, वो नहीं मिला। नहीं जो दिया है ये अलग है, इसमें बहुत ही फंक्शन डिटेल है, वो डिटेल नहीं है। जी 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 वो हम आपको उपलब्ध करा, वो हमेशा मिलते भी रहा है, हमेशा मिलता है। पैसा कम क्यों हुआ है? सरकार पैसा खर्च नहीं कर सकती है या टैक्स कलेक्शन कम हुआ है? आपके पास था वो खर्चा पूरा करके उसकी रिपोर्ट नहीं दे पा रहे होंगे। इसलिए माह 21 तारीख को केंद्रीय वित्त मंत्री महोदय ने सभी राज्य के वित्त मंत्रियों को आमंत्रित किया दिल्ली में चर्चा करने, तो ये हम नहीं कह रहे हैं, सारे राज्य कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो आर्थिक पॉलिसी है जो बनता चल गई, हमें तो ऐसा लगता है जिस प्रकार का जो उनका आकलन था जीएसटी कलेक्शन का, तो जिसको बेटर ढंग से वो कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। उसके कारण उनकी कमी के कारण स्टेट्स को राज्यों को नुकसान हो रहा है।
मंत्री जी एक सवाल मेरा, अभी आप दिखा रहे थे कि ब्याज भुगतान 8.5% लगातार आपके कर्जे बढ़ रहे हैं, कैसे में कैसे कौन सा फील कर रहा है? मैं एक बात आर्डर करता हूँ, आप कर्जे बढ़ रहे हैं, कर्ज काहे के लिए होता है? कर्ज दो प्रकार से लिया जाता है, जीवन में बहुत सारे कर्जे लेते हैं, तो कर्ज इसलिए लिया जाता है कि बेहतरी की जाए, उसका बेहतर उपयोग किया जाए और उससे ऐसा निवेश किया जाए तो वो कर्ज जो है वो आगे जाकर हमारे बच्ची संपत्ति के रूप में परिवर्तित भी हो, उससे हमें लाभ मिले। यहाँ उठना हुआ है इसकी सत्रह वर्ष कल आपने रिपोर्ट आप सबसे देखा है, कर्ज तो लिया गया पर मर्ज जो है वो बाजार उपयोग सही ढंग से नहीं लिया गया। डेफिनेटली किसी भी सरकार को मैं नहीं मानता हूँ हेल्थ इकोनॉमी के लिए कर्ज लेना कोई बात नहीं, कर्ज हम किसके अंतर्गत ले रहे हैं, जो नियम प्रावधान उसके अंतर्गत ले रहे हैं, हमारी क्षमताओं के अंतर्गत ले रहे हैं, उसको उपयोग कैसे किया जा रहा है, क्या फिजिकल डिसिप्लिन जो है उसको लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, किस जगह पर उस कर्ज को निवेश किया जा रहा है, उससे रिटर्न क्या आ रहा है, ये दृष्टिकोण नहीं रखा गया। पिछले आप 2012 के आपको पता कर देखिए 2012 तक तो आपने ठीक ठाक थे और उसके बाद से जो गिरावट आई है पिछले 5 वर्षों में वो जबरदस्त है और अधिकांश जो कर्ज दिया गया है उसी दौरान दिया गया है और मैं ऐसा मानता हूँ कि हम उद्योगी जानना चाहते हैं चूंकि ब्याज भुगतान आपका 8.05% हुआ है और कर्ज लगातार आपका बढ़ता जा रहा है, यह कौन सी तकनीक? पहले तो नहीं, पर आप जो प्रेक्षण देखिए इस बार हमने जो प्रस्तुत किया हमारा स्टेट का रेवेन्यू का जो भी हमने इंक्रीज है वो उस तक भी हमारा 24% बढ़ता रहा, तो हमने ऐसे उपाय भी किए आपको ध्यान जिससे हमारा अधिक स्टेट भी बढ़ता था। मेरे विपक्ष के साथी भी जब ये बात मुझे सदन में पूछते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इनके पास एक जिगर खान से आगे के तौर पर कर रहा है किसानों का चुकाने में, हर आदमी अपने हिसाब से उसके घर लगा रहा है। हमने जिनके एनडीए खाते थे ऐसे लगभग 19 लाख से अधिक लगभग 20 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है और उनको नोट ड्यूज के सर्टिफिकेट भी बैंकों से प्राप्त हो गए। द्वितीय चरण में हम प्रतिबद्ध हैं और हमने जो परफॉर्मिंग अकाउंट्स उनमें भी जो चालू खाते थे उसको भी हमने 50,000 रुपये तक जमा किया, तो हम द्वितीय चरण में हमने प्रावधान किया है 8,000 करोड़ का, जो लगेगा करेंगे, अभी सप्लीमेंट्री आएगा उसको बढ़ा के लिए, पर हम प्रतिबद्ध हैं, हम अपना वचन पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश के किसानों से जो वादा चुनाव के पूर्व कांग्रेस पार्टी ने किया था सरकार उसका पालन करेंगे। से क्यों मान लिया था कि हमने थोड़ी कहा 8,000 के बाद जो जरूरत होगी करेंगे, क्या दिक्कत है? और दूसरा इसका विधायक राम वन गमन पथ के अंचलों के विकास का प्रावधान, राम वन गमन पथ जो है उसके अंचलों के विकास का प्रावधान, ये दोनों पॉइंट थोड़ा सा एलिबोरेट कर दीजिए पिछले बजट की तुलना में। देखिए हमारी रामगमन पथ की बात जहाँ तक हो रही है तब प्रतिबद्ध है, बनाएंगे हमारा कुछ बीओडी बोर्ड पर भी कुछ लोगों ने चर्चा कर रही है सरकार की कि हम उसके डेवलपमेंट के साथ साथ एक नई योजना ऐसे बना रहे हैं और चूंकि प्रारंभिक रूप में ही अभी उसमें काम चालू हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि 4 माह के अंदर हम कैबिनेट में उस प्रस्ताव को लेकर आएंगे और कैबिनेट में चर्चा कर उसके ऊपर आगे मेरा सवाल उम्मीद हो जाएगा। गौशाला को और बता दीजिए, गौशालाओं के लिए आपने 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं, 1,000 गौशालाओं के लिए 132 करोड़ रुपए दिए हैं, ये सिर्फ 1,000 गौशाला नहीं पहला हमारे 3 प्रकार के मॉड्यूल हैं जिनमें हम गौशाला पे काम कर रहे हैं, मैंने बजट पास किया तो निश्चित अभी हमने प्रावधान जो किया है 132 करोड़ रुपये करके हम यहाँ कैसे आगे लगे थे उसमें रूरल डेवलपमेंट भी शामिल है, आज के अनुराग जी ब्रेडर भी
बेटा कोई मृत्यु के लिए एक सवाल हो जाए इतना हो जाए एक तरफ से एक ही वोट गौशाला मंत्री जी ने अपने स्पीच में भी बोला गौशाला के तीन मॉडल पहला मॉडल कॉन्वर्जेंस मॉडल है उस कॉन्वर्जेंस मॉडल में जो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग है वो अपनी विभिन्न योजनाओं से MNRI की वजह से काफी पैसा खर्चा करेगा और उसमें शास्त्रीय स्रोत का उल्लेख तो ये सप्लीमेंट्री राशि 125 करोड़ रुपए की रखी है तो एक्चुअल खर्चा जो गौशाला का है काफी अलग है जिससे काफी अलग होगा तो उसमें फिर बाकी योजनाओं में पैसे नहीं खर्चे उसके अलावा दूसरा और तीसरा मॉडल जो है कॉर्पोरेट और मंदिर वाला तो इस प्रकार से जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रस्ताव तैयार किया है और उसके हिसाब से तो उनसे चर्चा होती है एक बात कि फर्स्ट फेज में भी आप 125 करोड़ रुपये दे देंगे दूसरा NGO को भी इंसेंटिवाइज करने के लिए जो प्रति गांव जो पैसे दिए जाते हैं सहायता सरकार से वो बढ़ाकर 20 रुपये कर दिए पहले शायद 4 करोड़ वो बहुत 5 गुना एकदम से करते हैं उससे भी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को विश्वास है कि काफ़ी हद तक गौशालाओं में NGOs में भी जो एग्जिस्टिंग गौशालाएँ हैं जहाँ लगभग 80 या 90 हज़ार के आसपास गाय पहले से थी उनमें भी काफ़ी गाय सब्सिडी होगी वो काफ़ी करीब मतलब 1.5 या 2 वो आप यदि मनुष्य एसोसिएशन पूछेंगे तो बता सकेंगे कि उनका एक टारगेट है कि कितनी गाय एग्जिस्टिंग गौशाला में उनने स्पेस कैलकुलेट किए कितनी है तो उसको भी भर देंगे वो अभी तक गौशाला इसलिए अधिक गौ नहीं पाती थी एक मेरा सवाल ये आपसे जो अभी आपने टैक्स कलेक्शन की बात की है ये करीब 18 से 20% बढ़ जाएगा आप अभी जो टैक्स कलेक्शन आपका राज्य का खुद का है वो आपने पिछले साल शायद 55,000 करोड़ का जो आपने फिगर दिया 65,000 करोड़ हो जाएगा तो करीब 18 से 20% की ग्रोथ है आप ही लोग खुद कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की नीतियाँ में लगती है इकोनॉमी डाउन है तो इसका आधार क्या है कि 18% आप एक्स्ट्रा कहाँ से लगे अभी तक जो ट्रेंड रहा है वो 12 से 14% का एक सवाल ये दूसरा सवाल आपने कहा कि 1,000 करोड़ जो है वो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे सहकारी बैंकों को तो क्या आप ओनरशिप ले लेंगे कोऑपरेटिव मॉडल है तो RBI ऐसी स्थिति में ये मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ नॉलेज के लिए वो लाइसेंस रद्द कर देगी आपका अगर आप कैपिटल इंफ्यूज करेंगे 1,000 करोड़ सहकारी आगे आपके प्रेजेंटेशन में आपने बताया है तो क्या ये टेक्निकल समस्या नहीं है कोऑपरेटिव बैंक ओनरशिप हो जाएगी आपके लिए पहला सवाल बता दें कि 18 से 20% की ग्रोथ का बेस क्या है आपका जबकि इकॉनमी डाउन 2700 करोड़ का आपको वैसे ही मिलने एडजस्टमेंट होगा तो सर 4,500 करोड़ और ये जो हम लोगों ने अपने राज्य के कर और करेक्टर राजस्व का टोटल बताया है उसमें पिछले 3-4 महीने से लगातार बहुत काम हो रहा था जितने हमारे टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं और नॉन टैक्स डिपार्टमेंट जिनका कि नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है उसकी बैठकें माननीय मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर हुई बहुत बारीक से हुई एक एक चीज़ को देखा गया कुछ चीज़ों में हम लोगों ने रेशलाइज किया जैसे अभी 20% हमने गाइडलाइन की रेट कम की 20% गाइडलाइन के रेट करने से हम लोगों को जो अनुमान है कि पैसे बहुत ज़्यादा आएंगे क्योंकि तमाम लोग ऐसे हैं जो गाइडलाइन रेट अधिक होने की वजह से रजिस्ट्री कराते ही नहीं है और उनमें केवल एक कागज़ की चिट्ठी पर लेन देन अच्छा होता है ट्रांजेक्शन फिर हम लोगों ने बताया कि जैसे एक्साइज में रिन्यूअल का क्लॉज पहले से पड़ा था हम लोग का तो मतलब शुरू में यह था कि ऑप्शन पर जाना चाहिए जब मनु के डिपार्टमेंट का प्रस्ताव आया था पर जब बारीक से देखे कानूनी स्थिति तो कॉन्ट्रैक्ट में जब पिछली बार 2018-19 के लिए जब दिया गया था उसी शर्त में डाल दिया गया था कि आप 19-20 में भी रिन्यूअल करेंगे जब 19-20 में रिन्यूअल करने की बात थी वो हमारे लिए बाध्यकारी अवश्य था पर उसमें फॉर्चुनेटली कितने प्रतिशत इंक्रीज करेंगे ये नहीं लिखा तो हमने इन लोगों ने उसका आपस में चर्चा करके ऐसे हर विभाग के साथ चर्चा करके तो उसको हमने 15% की जगह 20% पर रिन्यूअल करने का फैसला किया जिससे पैसे ज़्यादा है रेट की जो है अभी तक सरकार को पैसे मिलने बंद हो चुके थे बहुत क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था बीच में चेंज हुई थी पंचायतों के माध्यम से तो पंचायत के सरपंच जी देते थे और वो पैसे सरकार को मिलते थे रेत की जो नई नीति बनाई गई है उस रेत की नई नीति में
ऑक्शन के माध्यम से जाएंगे, पंचायतों का हित नहीं मारा जाएगा। पहले भी स्थिति यह थी कि पंचायत को 50 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर या उसको चोरी को रोकना, उदाहरण देता हूँ, जहाँ हमें 400 करोड़ रुपए रेट से जब तक प्राप्त हुए थे वहाँ मात्र रेवेन्यू के उसके मन में 63 करोड़ भी आया था। सर मेरा सवाल है तो 18 से 3% बिक रहे हो सकती है, चोरी हो रही है, भेजा जा रहा था, सरकार के खाते में पैसा नहीं आ रहा था, अब ऋण सस्ती भी बिकेगी और सरकार को भी रेवेन्यू प्राप्त होगी। राकेश पाटिल वो जो अभी थोड़ी देर पहले मेरा निवेदन है, जब फ्रेश टॉक कर दिया, अभी अभी इसी फ्रेश टॉक कर दिया गया था, जो गौशालाएं हैं उनको सरकार अनुदान देती है प्रति गाय को, उसको बढ़ाकर 30 रुपए किया। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार मिलता था वो 2 रुपया या 4 रुपया प्रति गौ के हिसाब से मिलता था, तो जो प्राइवेट भी गौशालाएं थी या बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं जो गौशाला चलाती थी वो ज्यादा जानवरों को अपने पास दे रखते थे, के पास चारे की कमी होती है, उसको बढ़ाकर उसको ध्यान में रखते हुए कि वह वहाँ भी संख्या पड़े, हमने उसको बढ़ाकर 5 गुना 30 रुपये कर दिए। तो हमें आशा है कि वह गाशा गौशालाएँ भी जो सेवा की दृष्टि से आगे रहेंगी और जो पहले कम संख्या में जीवों पर रखते थे वहाँ भी संख्या बढ़ जाए, इसलिए वो बढ़ाए। मंत्री जी आर्थिक सर्वेक्षण भाई खजाने नहीं होते, ये खजाना छोड़ रही है, खाली कहाँ रखा है मुझे तो नहीं पता कहाँ है, ये तो जनता से प्राप्त होता है करोड़ों करोड़ का पैसा और हम पैसा देते हैं काहे के लिए, डेवलपमेंट के लिए, टैक्स का आप डेवलपमेंट नहीं बता पाए जी, मैं आपको पॉलिटिकल लैंग्वेज में बता देता हूँ, ये बता देना ये मनी का कर्जा थोड़ी है कि हमने हम पैसा सरकार जो पैसा देती है वो डेवलपमेंट के लिए देती है, और मैं ये मानता हूँ वो इकोनॉमी वो स्टेट ज़्यादा हेल्दी इकोनॉमी है जिसकी कर्ज देने की क्षमता जितनी बड़ी होती है दुरुपयोग होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मंत्री जी इसी का विस्तार 1 लाख आप बता दें, अनुराग जी आपको एग्जैक्ट फिगर चाहिए, आपको कितना खर्चा था और अगर माइक चालू कर दीजिए, माइक से जुड़ा हुआ सवाल है मंत्री जी, सवाल से जुड़ा है पाटिल जी आप एक मिनट के आप मंत्री जी मनोज जी आप हमारा आंकड़े हैं, कर्ज के जो आंकड़े हैं वो महालेखाकार हर साल हमको भेजता है, तो जो महालेखाकार ने हमको जानकारी दी है 31 मार्च 2018 की जानकारी अभी हमको महालेखाकार से प्राप्त हुई है, उसके हिसाब से जो हमारा कर्ज है या उसको हमने ऋण की स्थिति वो 1,52,745 करोड़ की है, ये बात है 31 मार्च 2018 की, 31 मार्च 2019 के महालेखाकार से भी हमें आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं, पर जो हमारा अनुमान है वो 1,80,988 है। एक सवाल है, आज सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वेक्षण है, मध्य प्रदेश का स्थान आर्थिक सर्वेक्षण जो भी आप 29 में से 27 के स्थान पर है, मध्य प्रदेश तमाम मानक है, पूर्ववर्ती सरकार केंद्र की अपना बीमारू राज्य से समृद्ध राज्य बना है, अब 6 महीने से आपने हमारी हालत दे दी है सरकार, वास्तविकता क्या है, ये 29 में 27 के स्थान पर मध्य प्रदेश है समृद्ध राज्य बना है। देखिए हमारा यही मत कहना था, आपने हर जगह पे हर प्लेटफॉर्म पर ये बताया कि हमने मध्य प्रदेश को ट्रांसफॉर्म किया और ये आर्थिक सर्वेक्षण जो आया है ये जो जानकारी हमें मिली है ये हमारी जुटाई गई जानकारी है, पर उसका स्रोत जो है वो नीति आयोग, तो वहाँ तो इन्हीं की सरकार है, वहाँ तो डेमोक्रेटिक आंकड़े
हमारी सरकार के अंदर है और वह आकर ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति नीचे हुए पिछले पायदान का दर्द गरीबी इसके पूर्व में आप लोग उसमें रूबरू हुए जब पर्व में बिताए जाए सदस्य अखबार में अध्यक्ष महोदय सदस्य यहाँ आए थे उनने भी यही बात कही कर्ज खूब लिया जाए खर्च खूब किया जाए पर बदला कुछ नहीं क्यों नहीं अगर हमारी ये स्थितियाँ है अगर इस जगह पर हम खड़े हैं तो उनको सबको स्वीकार क्यों नहीं करना चाहिए इनको भी करना चाहिए बीमारों वाले मध्य प्रदेश को विमान राज्य बनाकर छोड़ा जो ये कहते थे कि हमने सबने मध्य प्रदेश बनाया है नहीं वित्त मंत्री जी आप स्पष्ट कहिए मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है या नहीं है आप स्पष्ट बताइए है या नहीं आपको क्या लग रहा है नहीं आप मैं ही पूछ रहा हूं आप ऐसे स्पष्ट बताइए क्या है कि नहीं देखिए मैं वो बात कहूंगा जो मुझे एक मर्यादा के अंतर्गत कहते हुए कहनी चाहिए ये मध्य प्रदेश की छवि के बारे में भी एक मैसेज जाता है तो मुझे मेरे जो मैं कह रहा हूँ अगर आपको लग रहा है कि वो पूर्ण तरीके से मैं नहीं कह रहा हूँ तब इसी से काम चला दीजिएगा ये राज की स्थिति मैंने पैदा कर दिया लेकिन अब हम ट्रांसपार्ट कर देंगे इसको ये इंस्ट्रूमेंट शुरू हो गया है और मैं समझता हूँ बजट आया है जिन परिस्थितियों में ये बजट आया है मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया बजट हो नहीं सकता और इसकी इसकी जो रफ्तार और इसका जो लक्ष्य होगा ये एक जो स्टेट है कर्नाटक आंध्रा एक हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भाई आप से बात कर रहे हैं अगर कोई